वेलकम टू माय चैनल एमकेएस मैथमेटिक्स। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो, इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट इज एज फॉलोज। The sum of squares of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse। मान लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है और हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया जाता है। तो बाकी दो साइड बचे, एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर जिसको कि पी से डिनोट किया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होगा। यही मेन थ्योरम है। इससे हम लोग तीन चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, यदि आपको बेस निकालना हो तो रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इससे निकल जाएगा। और यदि परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करेंगे तो इससे परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। और थर्ड, यदि हाइपोटेनस निकालना हो तो रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इससे हाइपोटेनस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बस पाइथागोरस थ्योरम इतना ही सिंपल है। इसके अगले वीडियो में मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके दिखाऊंगा कि उसे कैसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।